लगातार खबरों के लिए बेल आइकन दबाइए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए News 29 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका News 29 इंडिया में। मैं हूं आपके साथ कविता पांडे और अब नजर देश दुनिया की खबरों पर। भारतीय जनता पार्टी ने शुक्रवार को दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी का संकल्प पत्र जारी कर दिया है। संकल्प पत्र जारी किए जाने के मौके पर पार्टी के दिल्ली के सभी 7 सांसद और कई अन्य वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। बीजेपी का संकल्प पत्र जारी करने के मौके पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, प्रकाश जावड़ेकर, हर्षवर्धन के साथ साथ तरुण चुग, श्याम जाजू, विजय गोयल आदि मंच पर मौजूद रहे। संकल्प पत्र जारी करते हुए बीजेपी के नेताओं ने कहा कि इस घोषणा पत्र के जरिए पार्टी ने दिल्ली में बदलाव का संकल्प लिया है। दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनने के बाद इस शहर को वायु और जल प्रदूषण से निजात दिलाया जाएगा। साथ ही दिल्ली वालों की सुविधाओं के लिए पार्टी पूरा काम करेगी। मनोज तिवारी ने आरोप लगाया कि दिल्ली सरकार ने केंद्र की योजनाओं को लागू नहीं किया। तिवारी ने आप सरकार पर आम लोगों से किया एक भी वादा पूरा नहीं करने का आरोप मढ़ा। तिवारी ने दिल्ली में सीलिंग रोकने के लिए नियम बनाने की बात कही। वहां मौजूद मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि विश्व के सबसे बड़े दिल्ली मुंबई हाईवे पर हमने कार्य शुरू कर दिया है, इस पर 1,03,000 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। उन्होंने दावा किया कि आज से 3 साल के अंदर मात्र 12 घंटे में दिल्ली की जनता अपनी गाड़ी से मुंबई पहुंच जाएगी। गडकरी ने यह भी कहा कि दिल्ली मेरठ के बीच 16 लेन की सड़क का अप्रैल में हम उद्घाटन करेंगे। उन्होंने कहा कि इस 90 किलोमीटर के रोड के निर्माण में 8,000 करोड़ रुपए की लागत आई है। उन्होंने कहा कि इसके बनने के बाद दिल्ली से मेरठ के बीच का रास्ता 40 से 45 मिनट में पूरा हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, News 29 इंडिया। तो ये थी देश दुनिया की बड़ी खबरें। तो आप देखते रहिए News 29 इंडिया, एक देश सारे प्रदेश।